अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आशिक हुसैन अब्बासी, मुजफ्फर ऑनलाइन एकेडमी में हम आज टॉपिक पढ़ेंगे मिंटोमोलर रिफॉर्म्स। मिंटोमोलर रिफॉर्म्स के हवाले से जो है वो कुछ सवाल आते हैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे जो अंग्रेज़ों ने शुरू किए थे 1858 के बाद इंडिया में। तो इसी तरह हर 10 साल बाद रिफॉर्म्स आते रहते, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंडिया एक्ट ऑफ 1893 मिसाल के तौर पे, इंडिया एक्ट ऑफ 1863, 1855, इसी तरह 1909, 1990। तो इसी तरह जो है ये रिफॉर्म्स आते रहते थे। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि एक तो 1905 में जापान और रशिया की जंग हुई थी और उसमें जापान जो है वो जीत गया था, ठीक है। तो अंग्रेज़ों, हत्ता कि बहुत अंग्रेज़ बहुत बड़ा एक पावर थे, मेजर पावर थे इंग्लैंड का, लेकिन उनको फिर एक खौफ हुआ कि जो है जो कॉलोनीज़ हैं या कॉलोनीज़ के जो लोग हैं वो रिवॉल्ट कर सकते हैं और वो हमसे जीत सकते हैं। तो इसी तरह जो है वो इसी खौफ की वजह से जो है वो अंग्रेज़ों ने कुछ रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे यहाँ पे। और ये ज़्यादा रिफॉर्म्स जो हैं वो इंडियंस के हक में थे किसी हद तक। उसके अलावा जो है वो इंग्लैंड में एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई, कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो गई थी और 1906 में जो है वो लिबरल पार्टी हुकूमत में आ गई थी। तो लिबरल पार्टी जो है वो इंडियंस के लिए स्पेशली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आना चाहती थी, ठीक है। और जॉन मॉर्ले ने, मैंने कल भी आपको बताया था लेक्चर, जॉन मॉर्ले ने जुलाई 1906 में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में स्पीच की थी, उसने कहा था कि हम जो है वो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देंगे और वो रिफॉर्म्स जो है इंडियंस की रिप्रेजेंटेशंस को इम्प्रूव करेंगे गवर्नमेंट में, ठीक है। तो जॉन मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट सेक्रेटरी था इंडिया के लिए उस वक्त, और ये 1910 तक जो है वो रहा। इसी तरह जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है वो जब देखा अंग्रेज़ों ने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एजिटेशन है और उनकी हड़तालें और जो तहरीक जो है वो बड़े पैमाने पर चल रही है, इसलिए जो है वो उन्होंने देखा कि इनको पैसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो रिफॉर्म्स जो 1909 वाला जो रिफॉर्म्स थे वो एक तरीक़ेकार था इनको पैसिफाई करने का। फिर इसी तरह जो मुसलमानों की भी एक डिमांड थी, जो शिमला डेपुटेशन में मुसलमान डिमांड लेके गए थे लॉर्ड मिंटो के पास, तो उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड है। अब इसके फीचर्स भी आते हैं मिंटोमोलर रिफॉर्म्स। मिंटोमोलर रिफॉर्म्स का दूसरा नाम है मिंटो, जो है लॉर्ड मिंटो से रिलेटेड है। लॉर्ड मिंटो वाइसराय था 1905 से लेके 1910 तक जो है ये वाइसराय रहा है इंडिया का। इसी तरह यह इसको जो है और मॉर्ले था, जॉन मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था फॉर इंडिया, तो इन्होंने मिलके जो है ये इस पर काम किया था, ठीक है। तो इसको जो है वो इंडियन एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, जो मेन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके मेंबरशिप बढ़ा दी गई थी, उसकी मेंबरशिप 60 कर दी गई थी। एक तो ये, यानी इसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो उनकी तादाद बढ़ा दी गई थी और इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। उसके अलावा जो है वो जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो क्या कहते हैं कि जो ज़मींदार थे, उनके लिए जो है वो सीट्स रिज़र्व की गई थी, 6 सीट्स रिज़र्व की गई थी। और इसी तरह जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स के लिए 2 सीट्स रिज़र्व की गई थी, वो भी सेपरेट इलेक्ट्रेट के तहत वो जो है वो मुसलमान इलेक्ट होके आएंगे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इसी तरह जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी हर प्रोविंस में, इस्पेशली जो मुंबई, बंगाल और मद्रास में जो जो उनके जो गवर्नर थे, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी यानी काबीना जो थी, तो उनको जो है उनकी मेंबरशिप 2 से 4 कर दी गई थी, यानी 2 जो है वो इंडियंस अब लेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है वो मुसलमानों की जो डिमांड थी कि मुस्लिम को जजेस जो है
वो भी अपॉइंट किया जाए, मुसलमानों का मुसलमानों को जजेस अपॉइंट किया जाए, वो भी डिमांड जो है एक्सेप्ट की गई थी। दूसरा सबसे बड़ा जो है वो 1909 वाले जो रिफॉर्म्स इस हवाले से जाने जाते हैं कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दिया गया, यानी मुसलमान अब जो है वो अपने नुमाइंदे इन दो सीट्स पे अपने नुमाइंदे जो है वो इलेक्ट कर सकें। इसी तरह जो है वो उसके अलावा इस के रिफॉर्म्स हवाले से मैंने आपको बताया, लॉर्ड मिंटो वाइस राय था 1910 तक, जॉन मॉर्ले जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था जो है वो 1910 तक। तो ये रिफॉर्म्स जो है ऐसा समझें, अगर हम कंक्लूड करें तो ऐसा समझें कि एक तो अंग्रेज़ों ने जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे देखा कि सिनेरियो किस तरह बन रहा है, कि जो है वो छोटी कौमें और जो कलोनीज हैं वो भी अब अपने हुक्मरानों के खिलाफ खड़ी हो रही हैं और उनके खिलाफ जंग कर रही हैं और जीत रही हैं, छोटे मुल्क भी जीत रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फिर उन्होंने जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल की हवाले से जो एजिटेशन है वो देखी, रिएक्शन देखा है नेशन कांग्रेस का, मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी एक बन गई थी, उनको भी एडजस्ट करना था। तो इसी तरह ये और फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, लिबरल गवर्नमेंट आ गई, तो इस तरह बहुत सारे जो है वो वजूहत बन गए कि इन रिफॉर्म्स को देना बहुत ज़रूरी था इनके लिए। तो ये बहुत ब्रीफ है इस रिफॉर्म्स के हवाले से, जो आपकी काम की चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है, और मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना है तो फिर पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। सो दैट्स इनफ एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।